Happy birthday to you. Happy birthday to you. रामनवमी पुणी ता सहित अशोकाष्टमी आज तो सबुठ बड़ खुशी दिन कहीं आज हूँ आम राजधानी भुवनेश्वर जन्मदिन कहबाकु बोले आज भुवनेश्वर रे हरि आउ हरंकर भेट वा सो आज आम जानिबा आम भुवनेश्वर को आउ टिके टिकनिक भाबरे आउ आम भुवनेश्वर ही कहीं राजधानी हैला 1948 मसीहा एप्रिल 13 तारीख रे ही आम राजधानी भुवनेश्वर प्रतिष्ठा होता आसतु जानिबा आम राजधानी भुवनेश्वर को टिकनिक भाबे ओडिसार सुनामधन्य साहित्यिक दास बेनहुर महोदयंक ठारु कटक थिला अमर आगुरु ब्रिटिश अमल रे कटक को सेमाने केंद्र करथिले कारण सेमाने नदी कूल देखिकिरि ताकर सब शहर मानको बाचिथिले जोंति पई हेथिला कलिकता मध्य करे हाइथिला भारतर राजधानी किंतु सेठी गोटे असुविधा थिला सबबेले बढी आसे तेणु सबबेले विपद थाए तेणु जेतेबेले आमे स्वाधीनता पाइलु एवं तापरे गडजात मिश्रण हला 48 जानुआरी बेलू केवल मयूरभंज को छाड़देले बाकी सब गड़जात आम मिसिकी छटी जिला था सब मिसिकी निखिल ओडिशा गठित हो सारी तेणु खोजाक कौटी राजधानी हम खोजागला जगह जितेबले किए चौदार सपक्ष मत दे किए खोर्धा सपक्ष मत दे कारण बहुत आगुरी खोर्धा था राजधानी कटक आगु तापरे रंगेलुंडा को मध्य प्रस्ताव दिया सब पर देखाला जे भुवनेश्वर टा हूँ सबुठारु भल जगा तार कारण हूँ तार ठीक तार अंचल टा हूँ गोटे कुर्म पिठी भाया चारिआड़ को टे ढालु अच्छी मैंने उपरटा ऊंचा चारिआड़ गोटे गड़ी तेणु से अति भल जगह और बढ़िया खिलखिल पवन चारिआड़ परिवेश भी मुक्त परिवेश पुरातन सहर मध्य एकाम्र कानन एकाम्र सहर तेणु से 1948 मसीह 46 मसीह परिकल्पना आरंभ होता महताब थे हरिकृष्ण डॉक्टर हरिकृष्ण महताब थे मुख्यमंत्री तेणु एप्रिल 13 1948 यार प्रतिष्ठा है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री 13 अप्रैल आम राजधानी भुवनेश्वर जन्मदिन आउ 14 अप्रैल आपण बिग एफएम रे जन्मदिन दीटी जाक आपण फेवरेट तबे बेले बेले आपण जो छक क्रॉस करी जांती मु तो पिला बेले बहुत प्रश्न करूथिलि ए छकर नाटा एमदी काई हला जे सेई छकर नाटा सेमती काई हला जे ता पछे भी अछि सुंदर कहानी सो आम राजधानी भुवनेश्वर को आमको आउ टिके चिन्हैबा पई आम सहित अछन्ती ओडिया साहित्य जगतर भीष्म पितामह आमे जाहाकु कहूचे श्रीजुक्त दास बेनहुर महोदय काहीकि आना ताना पुना मागे ठेची आना मास्टर कैंटीन छक काहीकि ठेची ये रसुलगढ़ काहीकि हला सेति शिशुपालगढ़ आईएससी बिल्ड काही हला हां ये सब धरा जो हम कहबा पुना मागे तणु सेही पाखरे सेति जो जेतु रेलवे लाइन जाईची सेबटे भी गोटे बाट थिला तेणु सेठी बसिकी थाए से पुन्ना बिल गोटे पिला तार माँ से पुन्नामा तेणु से जेहेतु से घर करके तेणु लोक आसला से पुन्नामा गेट कहले से रसुलगढ़ ये अंचल कड़े जो मुसलमान थे जमीदार ये अंचल टाक अधीन नाम रसुल खा ये रसुलगढ़ टा सेमती पटियागढ़ थी गोटे छोट राज्य था सी तेणु पटिया ना सेमती रहा सेमती धर रूपाली रूपाली छक सेमती गोटे दोकान थी गोटे ये थिला कैंटीन थिला भी सेठी रूपाली होटल भी बहुत लोग भी जानी थिले किंतु धीरे धीरे से गला से होटल आउ नाही रूपाली होटल किंतु छक हे गला से हां से हे गला रूपाली छक सेम आईआरसी विलेज तो मो देखि थिवा कथा भलिया सेते आरंभ हला आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस रो अधिवेशन बसिला तेणु जो घर गुड़िक तैयारी होता से सब थैथान करने आस्ते आस्ते से गुड़िक रही गला और स्थायी करी तैयारीगला आईआरसी भिलेज ताना दिया उड़िया शिल्पी मैंने ये चमत्कार मंदिर सब करते तो भुवनेश्वर ना हो मंदिर मालिनी भुवनेश्वर सो ई बहुत कथा भितर अल्प किसी कथा साउंटिबा बाहर कैपिटल आफ्टर ऑल आमे भुवनेश्वरिया आज आम भुवनेश्वर आम कैपिटल आम राजधानी आम स्मार्ट सिटी रो जन्मदिन स्मार्ट सिटी रे आउ गोटे जिनस बढ़िया स्मार्टली मिले यम यम गुपचुप मो सहित पूरा पूरी एकमत हेबे ना मानते राम मंदिर पाख हो कि पटिया पाख हो सत्यनगर रो गली हो कि यूनिट 4 हो से गुपचुप पानी रो स्वाद भुवनेश्वर रो अधिक आउ किए दे पारिबा भला आम राजधानी भुवनेश्वर को आमको आउ टिके भल भाव चिन्हुचंती ओडिसा रो सुनाम धन्य लेखक एवं शिशु साहित्यिक दास बेनहुर महोदय हाँ ये प्रकृत में एकाम्र क्षेत्र को कालू आम पुराण मानक एकाम्र क्षेत्र महात्मा वर्णना कराई आसला आम जो मंदिर मालिनी भुवनेश्वर है यार गोटाए मानने आर्किटेक्चरल ब्यूटी जोगुर ये गोटे सुनाम अर्जन कला परवर्ती काल में जिते बड़े या राजधानी भाव में बछाई
ଆମର ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିଲାଦିନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ ଲୋକ ଯେ ଦିନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ତଳେ ଥିଲା ବିଚିତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଆଜି ବିଚିତ୍ର ଭୁବନ ବାହା ବାହାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ବୋଲି ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ ଲୋକ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଚାରିପଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ପଟେ ତ ରହିଛି ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିର, ଏପରିକି ହିନ୍ଦୁ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର କି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର, ଏସବୁ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯୋଉ ନୂଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଠିକି ଏମ୍ସ ଆସିଛି ଏବଂ ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟାଏ ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଠିଆ ହେଲାଣି। ସେମିତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କଟକରେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲି ଆସିଲା 43ରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 58 ଜାନୁଆରୀରୁ ସେ ଆସିଛି। ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ ଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ସେ ଇଏ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ସେମିତି ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା କି କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା କି, କୃଷି ଗବେଷଣାଗାର ସହିତ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟା ଓୟୁଏଟି କହୁଛେ 1962 ମସିହାରୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ଇଏ ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏନ୍ଏସିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଗର ନିଗମରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଖାଲି ଆଲୁଅ ଜାଳିଦେଲେ ହବନି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ବାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଦରକାର। ଆଗେ ଆଗେ ହମ୍ ଚାଲେ ପିଛେ ପିଛେ ତୁମ, ମାନେ ସମୟ କେତେବେଳେ କୁହେ ମୁଁ ଆଗରେ ଚାଲି ତମେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଚାଲ, ଆଉ ଆମେ କେତେବେଳେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛେ ଆମ ସହର ଆମ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛେ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଜଙ୍ଗଲ ସହର ଥିଲା ଏବେ ତ କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲାଣି, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାର ନାଁ ତ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆମେ ଜନପଥ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ତ ସେଇଟା ଅଳଙ୍କାର ପଥ ହେଇଗଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଂକଂର ଫିଲିଂ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇପାରିବେ ବାପୁଜି ନଗର, ଯୋଉଠି ଶହୀଦ ନଗର କଥା ଉଠେ ସେଠି ଆଇଟି ହବ୍ର କଥା ଉଠେ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଦରକାର ସତ୍ୟନଗର ନୁହେଁ କୋଚିଂ ନଗର, ପାର୍ଟିରେ ଟପ୍ ଟୁ ଟୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରଫେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଅଛି ନା ଅଶୋକ ନଗର। ସୋ ଏ ସବୁ ପରିଚୟ ଆପଣମାନେ ହିଁ ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସହର ବଦଳିଛି, ଲାଇଫ୍ର ଧୁନ୍ ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଖାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଗ୍ ଏଫ୍ ଏମ୍ର। ସୋ ନିଜ ଲାଇଫ୍ର ଧୁନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ 92.7 ବିଗ୍ ଏଫ୍ ଏମ୍, ମାଇ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଏମିତି ହିଁ ହସୁଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ହସିଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି ରେଟ୍।